सेवा की भी पराकाष्ठा होती है। कोई कितना भी गाली देता है, कितना भी अकल्याण करता है, कितना भी बुरा करने वाला है, लगातार बुराई करता है, फिर भी सामने आ जाए तो उसको ज्ञान रत्नों से सेवा करे या पत्थर मारना शुरू कर दे? हा? सेवा करे तो ये सेवा की पराकाष्ठा हो गई। धारणा, भल कोई कैसा भी है, गंदे से गंदी धारणा करने वाला भी है, धारणाएं अच्छी नहीं है। हमारी मेज पर ही बैठ करके मांस मदिरा खा रहा है, उसके साथ हम बैठ करके भोजन कर सकें, उसका संग का रंग हमारे ऊपर न लगे, उसके साथ रहें भी, सोएं भी, खाएं भी, पिए भी, फिर भी हमारे ऊपर कोई असर न लगे, लगातार उसे देखना पड़े, देखते हुए भी न देखना, लगातार उसकी बातें सुननी पड़े, सुनते हुए भी न सुनना, लगातार खर्ब इंद्रियों के संपर्क में भी आना पड़े, लेकिन संपर्क संसर्ग और संबंध में आते हुए भी उपराम होके रहना, यह है धारणा की पराकाष्ठा। जब कोई आत्मा प्रवेश करके कार्य करती है निकल के, तो मतलब वहां जिसे प्रवेश करेगी और फिर वहां की बातें याद रखती, यहां आ सकती है अपने शरीर में उतरन आ सकती है, वहां की बातें याद रखती है। हाँ, ऐसा संभव क्यों नहीं? तो आज से मैं 98 में ऐसे शरीर छोड़ के 2 घंटे के लिए आउट हुआ, कई बार हुआ हो, तो जब वापस आया तो बाहर की कोई चीज याद नहीं। तो दुनिया में भी ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, कहीं किसी को बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, थोड़े समय के लिए सब भूल जाता है, बाद में दवाई अवाई देने से ठीक भी हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा जी बताते हैं जब बाबा खुश हो जाएंगे तो हम बाबा से कैसे मिलेंगे? जब बाबा खुश हो जाएंगे तो हम बाबा से कैसे मिलेंगे? बाबा खो जाएंगे, गुप्त हो जाएंगे, तो कैसे मिलेंगे? अच्छा, अष्टदेव में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हैं? तो आप अष्टदेव बनो, ऐसा पुरुषार्थ करो जो अष्टदेवों की लिस्ट में आ जाओ, क्योंकि अभी टू लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। हो गया सुना था? तो उससे पहले नाम से आत्मा पहले आती है या बाप पहले आती है? उससे कोई मतलब नहीं, कोई आत्मा जब ज्ञान में आती है तभी फाउंडेशन पढ़ना शुरू होता है, बाप पहले आ जाए या बाद में आ जाए इससे कोई कनेक्शन नहीं। कनेक्शन है हमारी आत्मा कब से ज्ञान में आती है, बेसिक ज्ञान में कब से आती है, एडवांस ज्ञान में कब से आती है, डायरेक्टर रंगमंच पर आता है, कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्टर पर्दे के पीछे आकर के डायरेक्शन दे रहा है उसी समय से हर आत्मा का पाठ शुरू हो जाता, नहीं। जब रंगमंच पर आत्मा आवेगी, पाठ बजावेगी, तब उसका पाठ शुरू होगा। बाबा
हाँ जी विक्टोरिया कौन है? है
छोटी मम्मी, जब मेरे वाला प्रत्यक्ष होगी तो ये गेट पे तैयार हो जाएगा। जो भी आत्माएं आएंगी नई दुनिया में, वो कौन से गेट से होकर के आएगी? इंडिया गेट से होकर आएगी। विष्णु की माला बताते हैं, विष्णु की माला विष्णु ही बनाएगा। हैं? विष्णु की माला तो विष्णु ही बनाएगा ना बाबा? बिल्कुल। तो बाबा विष्णु रुद्र की माला रुद्र ही बनाएगा। विष्णु में बाबा पांच आत्माओं का तो किसका तमेल है? विष्णु है बाबा पहला मन का जो युगल बनेगी, जो प्रकृति माँ का वो विष्णु की माला बनती है, युगल है उसमें तो दो आत्माएं हैं, साथ में उनके दो बच्चे भी उनके सुंदर प्रवेश होंगे ना। है वह पहला मंत्र में चार आत्माएं होगी वहां पे। है विष्णु की जो पाली मंत्र है, जो पाली प्रकृति बनेगी, दो आत्मा माँ पिता हुई उनके दो बच्चे हुए राधे राधे कृष्ण, चार आत्मा। लेकिन एक आत्मा जगदम्बा वहां लास्ट में आती है, उसकी भी प्रवृत्ति किसी से बनेगी, उनके भी दो बच्चे उनके होंगे, उनकी भी चार की आपसी। जगदम्बा की प्रवृत्ति जो है जगत पिता से नहीं है, जगदम्बा यज्ञ के आज में ही जगदम्बा थी, वो प्रवृत्ति बनती है निराकार शिव के साथ, वो प्रकृति को अधीन करके आता है, प्रकृति ही जगदम्बा है जो पांच तत्वों का पुतला है। शिव बाप के लिए प्रवृत्ति कौन है पहली पहली, प्रजापिता या जगत माता? कौन है जगत बाबा? फिर ये चार चार का बाबा बना ग्रुप नहीं है, विष्णु माला में चार चार आत्मा का ग्रुप बन गई ना। उसके बाद विष्णु तो वह पांच आत्माओं का के स्व संस्कार के मेल को विष्णु कहते हैं, तो फिर एक आत्मा छिटक के चली गई ना जगदम्बा वाला? छिटक के चली थोड़ी गई, सभी आत्माएं पांचों आत्माएं पांचों के स्वभाव संस्कार अलग अलग है, एक सेकंड के लिए स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होंगी, उसके बाद फिर अंतर पड़ने लगेगी। 5000 वर्ष का ड्रामा है इसका। प्रजापिता वाली आत्मा एक बार संपन्न बनने के बाद फिर तामसी स्टेज में जाएगी या नहीं जाएगी? अंत में है जाएगी क्या? विजयमाला की हेड भी जाएगी? नहीं है? पहले जाएगी या बाद में जाएगी? ऐसे ही नहीं। बारह का ग्रुप जगदम्बा का ग्रुप नहीं है, है? चंद्रवंशियों के जो बीज है बारह, उनकी हेड है जगदम्बा। नहीं, सूर्यवंशियों के साथ बनेगी वो ग्रुप तो विजयमाला में आएगी। है विजयमाला में वो ग्रुप भी रहेगा? वो क्या गुण नहीं, वो ग्रुप चाहिए ना प्रवृत्ति वाली, प्रवृत्ति वाली प्रवृत्ति मार्ग वाली जो विजयमाला का जो ग्रुप होगा लास्ट का ग्रुप, शुरुआत में ही चंद्रवंशी वाले ग्रुप है विजयमाला का, प्रवृत्ति जो हेड है उसका, उसकी बारह ग्रुप बनती है वो, तो वही चंद्रवंशी की बन गई प्रवृत्ति बनी। क्या कहना समझ में नहीं आ रहा? अरे हाँ, रुद्रमाला के ऊपर से पहले बारह ग्रुप है, तो विजयमाला की जो बारह ग्रुप है पहला ग्रुप है वो उसकी प्रवृत्ति बनती है, उसी तरह जगदम्बा वाली विजयमाला के 108 ग्रुप है, 108 आत्माएं हैं विजयमाला में, उनमें थोड़ा थोड़ा स्वभाव संस्कार अलग अलग है, फिर भी वो चंद्रवंशी है सबके सब। जैसे अष्टदेव सब सूर्यवंशी है, फिर भी उनमें अंतिम जन्म में जाकर जो कन्वर्सन होता है वो थोड़ा थोड़ा स्वभाव संस्कार का अंतर पड़ता है और धर्म। ऐसे ही जो विजयमाला में 108 मणके हैं उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, जो पहले 12 है वो रुद्रमाला के पहले 12 के मुकाबले, और जो
लेफ्ट साइड के बारे है, उनमें स्वभाव संस्कार तो है लेकिन चंद्रवंशियों में भी चंद्रवंशी के संस्कार है, कड़े संस्कार। हर धर्म की बीज रूप आत्मा जैसे 108 है, वैसे चंद्रवंशियों में भी हर धर्म से मिलते हुए स्वभाव संस्कार वाले हैं। ये बताया अष्टदेव का पावा जो प्रत्यक्ष होगी तो उनकी सेवा के साथ प्रत्यक्ष होगी, अष्टदेव की बताया अष्टदेव सुगंधित होंगे सारे, उसने बताया कि उनकी प्रवृत्ति भी होगी ना, तो वो 2018 में उनकी सेवा की प्रत्यक्ष होगी क्या, कि जब तक विजय माला का एक मुखिया नहीं आएगा तब तक उनकी भी शक्ति वो भी नहीं आएगी ना, पहले एक ही करके वहां प्रत्यक्ष होगा ना, प्रगति के साथ प्रत्यक्ष नहीं होगा, सेवा प्रत्यक्ष नहीं होगा पहले 18 से पहले। हाँ ठीक है, हालांकि बाद ही उनकी परिवार बनी। विजय माला जब तक विकारों पर विजय न हो तब तक प्रत्यक्ष कैसे होगी, रुद्रमाला की भी विजय चाहिए ना, विजय होगी ही तब जब प्रवृत्ति पक्की बने, प्रवृत्ति मार्ग के इतने पक्के बने जो निवृत्ति देखने में ना आवे और पवित्र प्रवृत्ति बने, अवित्रता नाम निशान न रहे। ठीक है, अरे चार जब है तो चार धर्मों के चार मुख्य बीज हो गए ना, अभी चार चंद्रवंशी वो पांच होंगे, रुद्रमाला भी बनेगी, कोई अष्टदेव है रुद्रमाला भी बननी चाहिए उनको। नहीं ऐसे तो रुद्रमाला में 8 ही है सूर्यवंशी है, लेकिन उनमें से चार मुख्य धर्मों के चार बीज हुए, देवता धर्म का बीज, चंद्रवंश का बीज, देवता तो 84 जन्म लेने वाले को कहा जाता है, कम जन्म लेने वाला है तो या चंद्रवंशी है या और कोई वंशी है, तो चंद्रवंश से भी है, नाम वंश से भी है, बौद्ध वंश से भी है, ये चार मुख्य वंश हो गए, तो चार हुए ये और चार हुए विजय माला से, उनमें देवी है रानी बनने वाली आत्मा है ना। हाँ जी बाबा, ये अष्टदेव के बाद देव का रहते हैं ना, तो ये तो उनको माला चार जोड़े हो गए ना, तो देवी कराएंगी वो, बस देवी होगी वो, अष्टदेव को नहीं कहेंगे, उससे क्या होता है, राजा बनने वाली आत्मा जो है ना, देवता देवता प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं या निवृत्ति मार्ग वाले, जो रुद्रमाला के मन के हैं वो प्रवृत्ति में है या निवृत्ति में है, निवृत्ति में, तो फिर देवता कहाँ हुए पक्के, प्रवृत्ति मार्ग ही बोले है नारायण के बारे में बोला है, प्रवृत्ति टूटती नहीं है, हाँ बनने वाली कभी टूटती नहीं, कभी कोई नहीं टूटती है, दुनिया में ऐसी कोई आत्मा नहीं होती है जिसको माया खाती नहीं है, माया खाती है तो प्रवृत्ति टूटती है, युगल जोड़ा जब बाबा को सेवा देते हैं तो दोनों को पता चल जाता है, सेवा तो गुप्त होनी चाहिए, इसका क्या समाधान है, एक एक इसका क्या समाधान है, ब्रह्मा कुमारियों में तो सिखाया जाता है खास कि अपनी अपनी सेवा अलग अलग दो, भाई अलग दे और माता अलग दे, का क्या लक्ष्य होता है, दोनों अलग अलग देंगे तो ज्यादा पैसे हो जाएंगे, यहाँ एडवांस में इस बात पर जोर नहीं दिया जाता कि अलग अलग देना है, बलगीता पाठशाला चल रही है, लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ चल रहा है,
गीता पारसाना में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया हुआ है घर को, दोनों मित्र से पुरुषार्थ कर रहे हैं। सेवा जो दी जाती है वो बंद कवर में दी जाती है या खुले कवर में दी जाती है, तो एक दूसरे को पता चलेगा क्या है? नहीं पता ही नहीं चलेगा। चिट्ठी दी है, पोता भेज दिया है, सेवा दी है, क्या दिया है, कितनी दी है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। दुनिया अरे खड़ी हो गया, सजा सजाया दिखाते हैं पार्वती को। हाँ हाँ अभी बताया ना कि कन्या माताओं को धारणा अच्छी होती है, तो दिव्य गुणों की धारणा में पार्वती ठीक ही चली जाती है और दिव्य गुणों की धारणा में पुरुष लोग पीछे रह जाते हैं। तो पुरुषों में मुख्य पुरुष जो है वो कौन है? पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में मुख्य आत्मा पुरुष में पाठ बजाने वाली वो शंकर को दिखाते हैं। तो शंकर के लिए ये दिखाया गया है कि उनको दिव्य गुणों की धारणा जल्दी नहीं होती क्या? और वैसे भी देखा जाए तो शिव बाबा निर्गुण है या 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसा का मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये टाइटल शिव बाबा का है या और देवताओं का है? और देवताओं का तो टाइटल है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अहिंसक। और सब बच्चों को ये लक्ष्य मिला हुआ है क्या कि मनुष्य से देवता बनना है? लेकिन शंकर के लिए ये नहीं लागू होता क्या? सर्वगुण संपन्न, वो अगर सर्वगुण संपन्न बन जाएगा तो ये जो अवगुण संपन्न 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है इनका विनाश कैसे होगा? वो 16 कला संपूर्ण अगर बन जाएगा तो जो गुणहीन है दुनिया में ढेर के ढेर, आठ के अलावा सारे के सारे गुणहीन है, उनका खलासा कैसे होगा? वो अगर संपूर्ण अहिंसक बन जाएगा तो धर्मराज की सजाएं कैसे खाएंगे और कैसे पवित्र बनेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएगा तो फिर एक सीता से ही मिलन मेला होगा कि सबके साथ होगा? इसलिए ये जो टाइटल है, ये जो गुण है वो शंकर जी के नहीं है। शिव शंकर भोलेनाथ जी ने कहा जाता है उनके गुण अलग और देवताओं के गुण अलग होते हैं। कोई ने लिखा है विजय माला वाले मणके जब पुरुष बनेंगे तो राजा बनेंगे क्या? कुछ बनने मात्र सही राजा हो जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आ गई माने राजा हो गए। दाढ़ी मूंछ वाले को टाइटल होता है राजा का? दाढ़ी मूंछ से कनेक्शन नहीं है, मुख्य बात है
पुरुषों के स्वभाव संस्कार धारण करने से, जो विजय माला के बनके हैं उनके पुरुष स्वभाव संस्कार होंगे या स्त्री के स्वभाव संस्कार ज्यादा होंगे? स्त्री के। बल पुरुष चोला हो, लेकिन पुरुष चोला होते हुए भी अगर विजय माला का मणका है तो भी उसमें स्वभाव संस्कार स्त्री जाति के होंगे, आधीनता के संस्कार होंगे, अधिकारी बनने के स्वभाव संस्कार जास्ती नहीं होंगे। ये जो पूछा है कि जब विजय माला का मणका पुरुष अगर बन जाए तो पहली बात तो पुरुष बनेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें हार्मोन्स स्त्री के ज्यादा हैं या पुरुष के ज्यादा हैं? तो पुरुष बनने का सवाल ही नहीं। उदान खास्ता अगर विजय माला में आने वाला कोई मणका पुरुष चोले में है भी तो भी उसके अंदर स्वभाव संस्कार और हार्मोन्स कौन से हैं? स्त्री के हैं। इसलिए क्या बन जाएगा? स्त्री चोला बन सकता है। तो राजा बनने की तो बात ही नहीं है, भले पुरुष चोला भी हो तो भी विजय माला में आने वाला राजा नहीं। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के कारण किस धर्म का साबित होता है? कोई कहेंगे क्रोध जिसको आता है वो तो क्रिश्चियन धर्म का साबित होता है। लेकिन क्रिश्चियंस के क्रोध में और भारतीयों के क्रोध में कोई अंतर है या नहीं? अंतर है। क्या अंतर है? क्रिश्चियंस का क्रोध ठंडा क्रोध होता है और जल्दी शांत होने वाला नहीं है। बाहर से दिखाएगा कि बड़े अब शांत हो गए, लेकिन अंदर से अंदर से अगर ये पक्का कर लिया इसने हमारे से दुश्मनी की है तो बन ऊपर के मुख से कह दे चलो आपने माफ किया, फिर बाद में पीछे से अपना कर देगा। तो ये भारतीय परंपरा नहीं है क्रोध की। भारतीय परंपरा में शंकर को कहा जाता है आशुतोष, आशु माने जल्दी और तोष माने संतुष्ट हो जाने वाला, क्रोध खत्म, क्रोध को अंदर अंदर पालने वाला नहीं। तो दुर्वासा जिसका नाम दिया गया है वो जल्दी ठंडे भी हो जाते थे या नहीं हो जाते थे? हो जाते हैं, हो जाते ठंडे भी होते, लेकिन उनको क्रोध भी जल्दी आता था। सच्चाई को ठुकराने वाले के ऊपर क्रोध आता था या सबके ऊपर आ जाता था? तो सच्चाई को ठुकराने वाले होते उनके ऊपर जल्दी क्रोध आता था। थोड़ी सी गलती हो या ज्यादा गलती हो क्रोध जरूर आता। तो पूछा है ऐसा दुर्वासा किस धर्म का होगा? बताओ
आदि सनातन देवी देवता दर्शन होगा। छोटी गलती करे तो भी जोर से क्रोध आ जाए और बड़ी गलती करे तो भी जोर से क्रोध आ जाए। वास्तव में दो आत्माएं हैं, एक है शिव और एक है शंकर। दोनों आत्माओं का कॉम्बिनेशन का पार्ट है और ब्रह्मा भी प्रवेश है, तो तीन आत्माओं का कॉम्बिनेशन हो जाता है। शिव में जो रचना तैयार होती है वो नारायण और लक्ष्मी जैसे देवी देवताओं की रचना तैयार होती है। अष्टदेवों की रचना तैयार होती है। बाकी जो दो आत्माएं हैं, राम और कृष्ण वाली आत्माएं, जिनके कभी अंधकासुर पैदा हो जाता है, कभी दुर्वासा पैदा हो जाता है, लक्ष्मी से गणेश पैदा हो जाते हैं, कभी कार्तिकेय पैदा हो जाते हैं। ये सब मनुष्य आत्माएं हैं या भगवान है? मनुष्य आत्माएं। भगवान जो रचना रचता है वो देवी देवताओं की ही रचना रचता है और मनुष्य आत्मा जो रचती है वो कोई को देवी देवता नहीं बनाती, क्या बनाती है? या तो गणेश जैसा जानवर देवता बना देंगी, या तो अनेक मुख वाला षण्मुख कार्तिकेय बना देंगी, या तो उसमें अज्ञान की अंधी कोई आत्मा कार्य करती है। कौन? ब्रह्मा किशोर कार्य करती है कि नहीं? नहीं करती है। वो भी कार्य करती है, इसलिए अंधकार में पैदा होता है। बाबा, ज्ञान में चलने वाली कोई आत्मा शरीर छोड़ती है और उसका 2036 से 6 साल पहले जन्म हो जाता है तो उसका क्या होगा? वो पुरुषार्थ कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? आजकल अखबारों में आ रहा है 3-3 साल के बच्चे कंप्यूटर पर धड़ा करा सब तरह के काम कर लेते हैं। 3 वर्ष का बच्चा कितना होशियार हो जाता है, कंप्यूटर पे बड़े बड़े एग्जाम देता है, तो 6 साल का बच्चा पुरुषार्थ नहीं करेगा? है? करेगा? अष्टदेव एडवांस में आने के बाद क्या जरूरी है कि वो आत्मा सेकंड नंबर के अष्टदेव के बाद ही ज्ञान में आने वाली आत्मा हो? वो जरूरी? पुरुषार्थ में बाद में आने और पहले आने से कोई जरूरी है कि फर्क पड़ेगा? बाद में आने वाली आत्मा पीछे रह सकती है क्या? आगे नहीं बढ़ सकती? बढ़ सकती? बढ़ सकती? बाबा ने तो नियम बता दिया, लास्ट सो फास्ट भी हो सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है
ये सेकंड नंबर का जो अर्षदेव है उसके बाद ही दूसरे अर्षदेव ज्ञान में आवेंगे, नहीं पहले भी आ सकते हैं।
सागर मंथन हुआ तो दिखाया गया है कि विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया। और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। और उस मथानी को चलाने के लिए नाग तो मथानी कौन है और वो नाग कौन है? ब्रह्मा बाबा मथानी है। मंदराचल पर्वत ऐसा पहाड़ जो मंद बुद्धि रहा आदि से अंत तक वो हुआ मंदराचल पर्वत। और उसको मंद को चलाया चलाने के लिए निमित्त कौन बना? वासुकी सर्प। वो कौन है? कैसे है जो मथानी है? मथानी कहा जाता है उस पहाड़ को। तो मथानी मंथन करती है या मथानी को चलाने वाली रस्सी मंथन करती है? रस्सी मथानी को चलाती है और मथानी मंथन करती है। तो कृष्ण वाली आत्मा भी मंथन तो करती है लेकिन कब करती है? जब रस्सी चलती है तो वो रज्जु है सर्प है वासुकी सर्प उसकी खींचतान होती है। अभी प्रत्यक्षता नहीं हुई है तो भी खींचतान हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी है? असुर पूछ पकड़ते हैं असुर मुख पकड़ते हैं असुर जो है वो मुख पकड़ते हैं और देवताएं पूछ पकड़ते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? देवताएं पूछ पकड़ना माने फॉलो करना और असुर बाबा ने ऐसे बोला ऐसे क्यों बोला ये बात ऐसे वो बात में ऐसे ऐसे कैसे हो गया? तो क्या पकड़ते हैं? मुंह पकड़ते हैं। लेकिन दोनों अपनी अपनी तरफ खींचते हैं वो पूंछ के पकड़ पूंछ की तरफ से पकड़ के खींचते हैं और वो मुंह की तरफ से पकड़ के खींचते हैं। दोनों तरफ से कोई को खींचे कोई टांग खींचे और कोई हाथ पकड़ के खींचे गर्दन पकड़ के खींचे हालत कैसी होगी? बाबा ने बोलने में बताया है कि दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा है। दिल्ली को तीन दिशाओं से हरियाणा ने घेरा हुआ है और एक तरफ से यूपी ने नक्शा देखा दिल्ली का नक्शा देखा ना तो
पूरब की साइड में यूपी है, उत्तर की साइड में हरियाणा है, और पश्चिम में भी हरियाणा है, और दक्षिण में भी हरियाणा है। माने तीन तरफ से दिल्ली को घेर रखा है हरियाणा के जाटों ने, और एक तरफ से यूपी है, और यूपी में भी जो चित्र बनाया है यूपी का वो शेर का चित्र बना दिया है। पहले यूपी का नक्शा शेर जैसा था, अभी तो यूपी का भी खंडन हो गया, जैसे भारत देश खंडित हो गया ऐसे यूपी भी खंडित हो गया, मस्तक अलग कर दिया। अर्थात मस्तक क्या है? उत्तरांचल, वो जब से अलग कर दिया गया है तब से यूपी शेर का नक्शा बदल करके गैंडे का नक्शा हो गया। क्या हो गया? गैंडा, गैंडा में और शेर में क्या अंतर होता है? गैंडे की खाल से ढाल बनाई जाती है, पहले यूपी का नक्शा था, और यूपी में भी जो शेर का मुख है वो गाजियाबाद दिखाया गया। क्या क्या नाम रखा? बाद, बाद में जो गजगोर करता है ज्ञान की वो है गाजियाबाद। और जब ज्ञान की गजगोर होती है तो हरियाणा वाले चिल्लाते हैं हरी आना, ये वो जल्दी पहचान लेते हैं। हिसाब से नक्शे बने हुए हैं, कहाँ वहाँ करते हैं, क्या चढ़ाते हैं? बच्चिया, बच्चिया कुछ चढ़ाते हैं, गाय बच्चिया। अच्छा बच्चिया, बच्चिया दान में देते हैं, हाँ तो उसके पाप कट जाएंगे। यहाँ तुम्हारे आसपास बच्चियाँ बैठी कि नहीं? हाँ बैठी हैं। हाँ तो उन्हें दान में कोई ने दिया है कि नहीं? जब दिए हैं तो किस आशा से दिए? ये बच्चियां जाकर के अयोध्या बनाएंगी, अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा। अयोध्या माने जहाँ युद्ध कोई नहीं होता है, और माताएं तो युद्ध से बहुत परेशान है। नीम का बीज होता है, बीज में सारा झाड़ भरा हुआ है या नहीं? है भरा हुआ। क्या नीम की एक जड़ पकड़ ली, उस जड़ में सारे नीम के वृक्ष का रहस्य छुपा हुआ है? नहीं। तो ऐसे ही जो सारी मनुष्य सृष्टि का एक बीज है उसके लिए तो ये संभव है कि 500 करोड़ पत्तों का भी रहस्य जब जानना चाहे तो जान सकता है। बाकी और सब के लिए ये लाभ संभव नहीं है।
बाबा जिन आत्माओं को जल्दी गुस्सा आता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, किस धर्म की आत्मा है वो तो बताया नहीं आपने। देवी देवता सनातन की तो बताया, आशुतोष आवड़ रानी, जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जल्दी शांत हो जाते हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं। बाबा युगल आया है, गौशाला में बैठा है और एक माता है वो कमरे में बैठी है। बाबा क्या वो दोनों क्लास में नहीं आ सकते? अब क्लास में बुलाने से फायदा होगा कि नुकसान होगा? ये सब कह रहे नुकसान होगा, फायदा होगा? एक कन्या बैठी कह रहे हैं आगे है तो फायदा होगा है? माता जी बोले, माता जी तो पूछ रही है, माता जी पूछ रही है वो जो समझने के लिए ज्ञान आए, ज्ञान समझने के लिए बैठे हैं क्लास में वो कमरे में और बाहर गौशाला में, क्या उनको बाबा की क्लास में बुला लें? तो अभी वो बाबा के बच्चे बन गए क्या? मुरली में तो बोला है मैं अपने बच्चों से ही बात करूंगा, जो बच्चे नहीं बने हैं उनसे बात नहीं करूंगा। और आप जिद कर रहे हैं कि हम तो मिलाएंगे, या वो जिद कर रहे हैं हमें बाबा से मिलाओ, तो श्रीमत की बरखिलाफ बात करने वाले को क्या समझा जाए? तो रावण संप्रदाय बनेंगे? कौन सी माता ने लिख करके भेजा है सो देख ले अपना। बाबा मेरी मम्मी पापा के ज्ञान सुनाते हैं लेकिन ज्ञान में नफरत करते हैं। हाँ मतलब कहा ये ज्ञान बाबा सुनाते हैं तुम्हारे ऐसे करते हैं? हाँ मैं सुनने के लिए राजी। कोई बात नहीं, आप सुनाती क्यों हो ज्यादा? आप प्रैक्टिकल है आचरण में उसको दिखाओ ज्ञान को। लड़के बच्चे के बारे में बात करते हैं सर। तुम्हारे बाबा क्या ऐसे मना करते हैं लड़के बच्चे का? लड़के बच्चे हाँ तो लड़के बच्चे ना हो ऐसे तुम्हारे बाबा करते हैं? तो बताओ ना कारण, बताओ ना। हाँ बताते हैं। क्या बताते कारण? ये बताते कि लक्ष्मी नारायण वो तो ठीक है, तुम्हें कारण बताओ कि दुनिया खलास होने के लिए एटम बम बन चुके हैं। हाँ बताते हैं सबको तो मरना है। सबको नहीं मरना है, सबको मरना है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ आत्माएं नई दुनिया में जाएंगी या नहीं जाएंगी? तो वही बन बाबा उनको ठीक से समझाते नहीं ना। अरे और रह गया हाँ जी क्या बोला? हाँ एक ऐसे मिलते हैं कि मिलने मात्र से ही बहुत दुख हो जाता है, एक मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं, अति का दुख देने के निमित्त बन जाते हैं, और एक ऐसे प्यार से मिलते हैं इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार मिलता है सारी सुध बुध भूल जाते हैं। तो क्या कहें, एक ही आत्मा है
किसी से मिलती है बहुत दुखदायी बन जाती है, और किसी दूसरे से मिलती है उसके लिए बहुत सुखदायी बन जाती है। इसको क्या कहेंगे? ऐसा ज्वाला देवी के मंदिर में जो ज्योति जलाते हैं उस ज्योति का बेहद में अर्थ क्या है? ज्वाला जलती रहती है उसका क्या अर्थ है? ज्वाला माने ज्ञान की ज्वाला, वो सदैव ज्ञान की ज्वाला जागती रहे, मुझे नहीं। हम दोनों युगल ज्ञान में चल रहे हैं, युगल ने भक्ति भी की है, फिर भी वो मेरे साथ बाहुबल का उपयोग करते हैं, गंदी गंदी वाचा बोलते हैं और मुझे जान से मार देने की धमकी भी देते हैं। इसको ज्ञान कहेंगे या अज्ञान कहेंगे? अगर माता खुश हो जाती है कि बाबा इसको अज्ञान बता दे तो बाबा कह देंगे हाँ अज्ञान तो है, ये कोई ज्ञान हुआ? ज्ञान तो नहीं है, ज्ञान है। लेकिन अगर आप सहन नहीं कर पाते हैं, आपको मारते हैं या मारने की धमकी देते हैं, कहते मारने की धमकी देते हैं, बाहुबल का प्रयोग करते हैं, उसके लिए तो बाबा ने जवाब दे दिया कि अगर तुम्हारे ऊपर बाहुबल का प्रयोग कोई करे और चोट के निशान हो तो पुलिस में चले जाओ और वहां रिपोर्ट कर दो। क्योंकि जानवरों को भी कोई पिटाई नहीं कर सकता, जानवर की भी कोई पिटाई करे या जान से मार दे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। आप तो इंसान हैं, तो अगर बाहुबल का कोई प्रयोग करता है घर में तो पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए और पुलिस वालों से लिखवा के मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए। दोनों रिपोर्ट लेके मेडिकल टेस्ट और पुलिस की FIR की काफी, दोनों लेके फिर चाहे जहां चले जाओ कोई नहीं रोकेगा, ना कोई केस होगा तुम्हारे ऊपर। अब होगा तो बाबा जिम्मेवार, क्योंकि बाबा ने बोला, हमने नहीं बोला, बाबा ने बोला, मुरली में बोला, माउंट आबू की छपी मुरली। बाबा ने बोला मुरली में, ये देह का जन्म दिवस नहीं याद करना, नहीं
ये देह का जन्म नहीं है आपका माँ? देह का जन्म, ज्ञान का जन्म नहीं है क्या? हाँ, ज्ञान में भी जन्म नहीं होता है अभी। जन्म तो ये है, जन्म भगवान, जन्म जन्म तब होता है जब आत्मा को अपने पार्ट का पता चल जाए, आत्मा को अपने पार्ट का पता चले। वो झाड़ में तुम्हारा पार्ट कौन सा है सुबह?